मैं हूँ सोफिया एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रिंसेस सोल। तो फ्रेंड जैसा कि आपने टाइटल पढ़ी लिया है, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ क्यूसेरा का हेयर सीरम। ये जो हेयर सीरम है ये नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, मींस मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था। जैसा कि पहले भी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वाटर की वजह से, मींस वेदर और वाटर की वजह से मेरा काफी हेयर फॉल होने लगा था, तो मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया एंड उसने मुझे एक शैम्पू और ये हेयर सीरम सजेस्ट किया था। शैम्पू का रिव्यू मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ ऊपर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो हेयर सीरम है, ये हेयर सीरम आपको कैसे यूज करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके प्रो कॉन्स हैं, सब मैं आपको साथ शेयर करूंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, यूज करना चाहिए या नहीं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड जैसा कि ये जो हेयर सीरम है ये कुछ ऐसी बोतल में आता है, मीन्स ये जो स्प्रे बोतल है इसमें आता है एंड जो हेयर सीरम है ये क्लेम करता है फॉर मिनिमाइज हेयर लॉस, रीग्रो हेयर, मॉइस्चराइज योर हेयर एंड प्रोटेक्ट योर हेयर। तो ये चारों चीजें ये क्लेम करता है एंड ये जो हेयर सीरम है ये नॉर्मली 1300 का है, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलता है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चाहें तो वहां से जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो हेयर सीरम है आप किस किस को यूज करना चाहिए, सबसे पहले बता दूं ये जो हेयर सीरम है ये कोई भी यूज कर सकता है, मैन वुमेन कोई भी ये हेयर सीरम यूज कर सकता है। आपको ये हेयर सीरम क्यों यूज करना चाहिए, मान लीजिए अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपका जो स्कैल्प है वो बहुत इचिंग हो रही है स्कैल्प में, आप ये हेयर सीरम ट्राई कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इस हेयर सीरम को आपको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके बाल कम्प्लीटली ड्राई हो, मीन्स आपके बाल वेट नहीं होने चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप इसे रात में यूज कीजिए, रात में इस बोतल से 10 स्प्रे कर लीजिए अपने पूरे हेड पर, मीन्स सिर्फ आपको ये अपनी स्कैल्प पे स्प्रे करना है, मीन्स आप अपने बालों को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए एंड उस पर स्प्रे कर लीजिए 10 टाइम, क्योंकि ये सिर्फ आपको डेली 2 ml ही यूज करना है। एंड 2 ml कैसे काउंट करेंगे आप, इसकी जो 10 टाइम अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो वो क्वांटिटी इक्वल टू 2 ml होती है, ऐसा इसकी बुक में मेंशन है। तो सिर्फ आपको अपने पूरे स्कैल्प पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इसको स्प्रे कर लीजिए, जहां जहां आपको लगता है ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है वहां थोड़ा पास पास एंड जहां आपको लगता है कम है वहां थोड़ा दूर दूर आप इसे स्प्रे कर लीजिए एंड देन अपने फिंगर टिप्स की मदद से उसको अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको डेली नाइट करनी है एंड ट्रस्ट मी आफ्टर 15 डेज, मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो फील, मतलब कहते हैं ना कि आपको फील आ जाता है कि हेयर सीरम अच्छा है या नहीं, वो मुझे फर्स्ट डे से फील होने लगा था कि मुझे ये हेयर सीरम काफी अच्छा लगा। फर्स्ट डे से ही मेरे बालों में काफी सॉफ्टनेस आ गई थी। तो आपको एटलीस्ट ये 1 महीने यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बॉटल पे मेंशन है ये 60 ml में आता है एंड अगर आप डेली 2 ml यूज करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1 month चल जाती है बॉटल आपकी कंप्लीटली। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हेयर सीरम है ये काफी बेनिफिट देता है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली है आई एग्री, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप शुरू के 1 महीने इसे यूज कीजिए, देन आप जो अपनी रेगुलर जो भी रेमेडी यूज कर रहे हैं वो यूज करते रहिए, बट आप स्टार्टिंग के 1 महीने इस हेयर सीरम को जरूर यूज करके देखिए अगर आपका हेयर फॉल किसी भी तरीके से नहीं जा रहा है तो। क्या आपको इसके बाद हेयर वॉश करना है, नहीं आपको इसके बाद हेयर वॉश नहीं करना है, आप रेगुलर जैसे हेयर वॉश करती हैं अल्टरनेट डेज पर या आफ्टर 2 डेज या वीक में 2 बार उसी अकॉर्डिंग आप हेयर वॉश कर सकती हैं, इसके बाद हेयर वॉश करना कंपलसरी नहीं है। तो आफ्टर 15 डेज मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, तो शायद मैं इसको रीऑर्डर मीन्स इसको जरूर यूज करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि फ्यूचर के वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके एंड ऐसे ही मैं आपके साथ अपने प्यारे प्यारे वीडियो शेयर करती रहूंगी। और अब तक की सभी वीडियोस पे अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, बी नेचुरल, बी हेल्दी,
कीप स्माइलिंग एंड फिर मिलेंगे चलते चलते. बाय बाय, लव यू ऑल.